गुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं हुं हनुमतये नमः। ओं रं रमाय नमः। ओं मातिश्वर्ये नमो नमः। ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओं शांति 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 हरि ओं श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय और संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418 केवल व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। इस वीडियो का बात है भाग्य कैसे खुलेगा पार्ट टू। एक वीडियो ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, बेसिक इंट्रोडक्शनल वीडियो था कि आप उसके लिए डिटेल रिपीट नहीं करूंगा। उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छा प्यार दिए, सबको धन्यवाद नमस्कार। पार्ट नंबर टू टेक्निकल बात करते हैं यहां पर, भाग्य कैसे खुलता है, भाग्य खुलने का क्या तरीका है, क्या हम आप जो बोले मंदिर जाने के लिए क्या दुर्बोधर ठोकर खा खा के घूमते रहेंगे, पूरे भारतवर्ष का मंदिर तीर्थाटन करेंगे, सभी मंदिर जाएंगे तभी जाके भाग्य खुलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या? आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को सुने होंगे कि इस मंदिर में जाओगे तो तुम्हारा शादी हो जाएगा, उस मंदिर में जाओगे तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिल जाएगा, इस मंदिर में जाओगे तो तुम्हारा धन प्राप्ति हो जाएगा, इस मंदिर में जाओगे तो तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा या तुम्हारे कोर्ट कचहरी माली मकदमा का समाधान हो जाएगा। सुने होंगे, मेरे को भी यूट्यूब में सुने होंगे, कभी मैं बगलामुखी मंदिर भेजता हूँ, कभी जगन्नाथ जी मंदिर भेजता हूँ, कभी भीमा शंकर भेजता हूँ, कभी कुक्कुट, भिन्न भिन्न बोलते रहता हूँ। क्या देख के बोलता हूँ? अब ये इसलिए बना रहा हूँ कि ये बोलते ही आप लोगों का शुरू हो जाएगा, हमारा कुंडली देख के बोलिए किस मंदिर में जाएंगे तो भाग्य खुलेगा। अब हम फंसा, ऐसे ही हाई लोड में चल रहे हैं, हाई प्रेशर में चल रहे हैं, और इस समय अगर मैं इस प्रकार का आपका कुंडली देखने और बैठ गया तो मैं फंसूंगा। फिर से कह रहा हूं, सारे मकरू नवंबर से पहले मेरे को कुंडली नहीं दिखाना, नवंबर के बाद अगर भाग्य नहीं खुलता, परेशानी बढ़ा है तो दिखाना, और आप ठीक हो गए तो मेरे को पूछने का जरूरत नहीं, टाटा बाय बाय, अपना काम करो बढ़िया से, कुंडली दिखाने का जरूरत नहीं, कर्म करने का जरूरत है। तो चलते हैं, इस समय क्या है वो बात जिसके लिए मुझे इस वीडियो में आना पड़ा और आपको यहां पर छेड़ना पड़ा। तो सबसे पहला, व्हाट इज कॉल्ड भाग्य, भाग्य किसे कहते हैं? भाग्य इज ए सॉलिडिफाइड कंडीशन ऑफ योर पास्ट कर्मास एंड पेंडिंग कर्मास एंड पास्ट लाइफ कर्मास। सॉलिडिफाइड मीन्स क्या? बर्फ और पानी। बर्फ, सॉलिडिफाइड कंडीशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड आइस, द लिक्विडिफाइड कंडीशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर एंड लिक्विड वाटर एंड द गैसिफाई कंडीशन इज कॉल्ड बाष्प स्टीम। ओके, तो फिर क्या मतलब यहां? भाग्य क्यों खोलना जरूरत है? अब आने वाला समय में मकरू वालों को सबसे ज्यादा चैलेंज तो अपने भाग्य के साथ देना पड़ेगा, क्योंकि भाग्य के घर में केतु, हाँ ठीक करेगा, मना नहीं है, लेकिन सोचो जो केतु तुला राशि में बैठ के आपके दशम स्थान करियर स्थान में बैठ के 1.5 साल परेशान करके रख दिया, किसका नौकरी खा गया, किसका नौकरी डिमोशन हो गया, किसका प्रमोशन रुक गया, किसी को ऐसे जगह में ट्रांसफर हो गया जहां से निकलना मुश्किल है, कहां पर वर्कर लोग आपको हीन दृष्टि में देखा, मेहनत किए आप, फल खाए आपका बॉस, मुर्गी दे अंडा खाए उसका मालिक, ऐसे परेशानी में रहा मकरू वाले करियर को लेके कि दरिद्र पंचाक्षर, अब हमें क्या करना है, मैं क्या करूंगा तो पैसा आएगा, नौकरी कब तक मिलेगा, इस प्रश्न में मैं सबसे ज्यादा फेस किया। और ये कहां से आया? बोला नवम का दशम है, नवम का सेकंड है, नवम का द्वितीय है, तो उसी नवम में केतु जा रहा है। जिसका अच्छा है वो तो अच्छा दे देगा, जिसका बुरा है उसको परेशान करके डाल देगा। भाग्य खराब होने से क्या होता है? ऐसे लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है तभी जाके उनको फल मिलता है। एग्जाम्पल कौन है? आचार्य संजय, नहीं देख रहे हो? मेरा चेला बोलना ठीक नहीं है, मतलब मेरे से सीख के गए मेरे स्टूडेंट हैं, ऐसा बोलना भी ठीक नहीं है। गुरु चेला को चेला बोल दे तो गुरुहीन हो जाता है। चेला जिस दिन खड़ा होकर बोलेगा कि ये मेरा गुरु है, तब गुरु का मान सम्मान रहता है। इसलिए मैं नहीं बोलता हूं कि मेरे से सीख के गए और उनका टेक्निकल इतना साउंड थे कि मेरे से भी ज्यादा व्यूअर सब्सक्राइबर जीत रहे हैं, वो पा रहे हैं, ज्यादा कमा रहे हैं। मेरे को पूछे कि गुरु जी दक्षिणा देंगे, बोला तेरा तो दक्षिणा तू रख, कहा ले तेरे से बेटा, तू चल तू और बड़ और खुश रहो, और यही चाहते हैं कि और लोग आए इस क्षेत्र में। 4,500 वीडियो देता हूं तब 25K मिलता है, 8.5 लाख व्यूअर्स पार करते हैं तभी 25K मिलता है। तो ये हमारा हालत है, हारते नहीं है फिर भी भिड़े रहते हैं बेटा।
करे जाओ, भिड़े जाओ, लड़े जाओ, आशा निराशा इसके और कहां जिज्ञासा, कर्म करे कर्म लीन बने, इस सूत्र में जी रहा हूं। ये ज्ञान भी दिल्ली से मिला था, झिंझोली से मिला था, गुड़गांवा पानीपत सोनीपत और एक तो क्या पथ है ना वहां पर झिंझोली है, ये ज्ञान था सूर्या फाउंडेशन एंड सूर्या बॉल एंड ट्यूब कंपनी का मालिक जयप्रकाश अग्रवाल जी, आज शरीर में नहीं है, उनके आत्मा का सदगति हो, उनका कल्याण हो, मंगल हो, पितृपक्ष में आए हैं तो गुरु तुल्य हैं, बनिया गुरु। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, इस विषय को थोड़ा सा छेड़ लेते हैं। क्या है, कैसे जानेंगे आपका भाग्य कहाँ बैठा है? सोचो कि आपका भाग्य का घर नवम स्थान ये कन्या राशि मकर राशि, मकर लग्न के लिए बुध बैठा है अपने घर में स्वगृही, फिर चिंता का जरूरत नहीं है, किसी 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 मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा में जाने का जरूरत नहीं, भाग्य ठीक ठाक है। अपने से चतुर्थ में गया ठीक ठाक है, अपने से लग्न में आके बैठा चले बुल है। ऐसे अगर केंद्र त्रिकोण में भाग्य इस भाग्याधिपति बैठा हुआ है, कहीं जाने का जरूरत नहीं, समझ लो भाग्य ठीक है। लेकिन इस कंडीशन पे अगर 6, 8, 12 में गया, अपने से 3 में गया, तो अब अपने से 3 में गया मतलब लाभ में गया, अच्छा हो गया, मतलब आपके लाभ में। सोचो बुध यहां बैठा, आप अपने से 3 में आया और आपसे एकादश में आ गया, तो बढ़िया हो गया, अब फिर भाग्य की चिंता नहीं करना है, भाग्य से तो हर कुछ। लेकिन किसी कारणवशात ये जाके अष्टम में बैठा, छठा में भी ठीक है, अष्टम में भी ठीक है, पैसा वैसा देता है, या फिर द्वादश में आके बैठ गया, ले बेटा उसका जिंदगी देख, भाग्य से नुकसान, भाग्य का नुकसान, भाग्य द्वारा नुकसान, पिता से नुकसान, पिता का, इत्यादि इत्यादि हम लोग बोलते रहते हैं, क्या प्रॉब्लम है? आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन सुकमाति सुकमा आपके जीवन के साथ माइक्रो लेवल में घटते रहता है, आपको समझ में नहीं आता है, आप बोलते ऐसा तो नहीं है, मेरा बाप तो मेरा सपोर्ट में है, लेकिन टेक्निकली प्रैक्टिकली जब अंदर घुसोगे और बड़ी माइक्रो रिसर्च करोगे तो देखोगे तो वही कहीं ना कहीं आपका बाप ही आपकी प्रॉब्लम का कारण। मकर राशि वाले किसी और से पस्त नहीं होते, अपने परिवार से और अपने निजी लोगों से और अपने से ही पस्त रहते हैं, तो इस कंडीशन पे कौन बचाता है? भाग्य बचाता है। भाग्य माने क्या? कम मेहनत ज्यादा रिजल्ट, कम मेहनत करो ज्यादा पैसा कमाओ, उसको बोलते हैं भाग्य। और मेरे से ज्यादा इसमें टेक्निकल प्रैक्टिकल आदमी कौन हो सकता है? भाग्य खुलवाने का चक्कर वाला, और अगर डायरेक्ट नहीं खुलता है तो उसका नक्षत्र बल से मैं एक्टिव करा देता हूं, सीयू खुलता है, बहुत लोगों को किया हूं, यहां मेरे पास बहुत सारे लोग आए, गुरुजी भीख मांग रहे हैं, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है बेटा चल तेरे को बताता हूं, करवाता हूं, किसको महुआ मदांग थमा दिया, तो किसी को आज भी बहुत सारे कलेक्शन हुआ है, पुष्या रवि का कलेक्शन, तो छोटे छोटे जड़ी देखे, और आई एम द प्रैक्टिकल पर्सन, ये देख लो, ये छोटा सा पहना हुआ हूं ना, यहां दिख रहा होगा, हाँ, तो दिस इज एनर्जी मैनेजमेंट। आप नहीं सोचना कि जादू टोना तंत्र मंत्र जंतर कोई भूत प्रेत पिशाच, नहीं, तो क्या करना चाहिए, कितने मंदिर घूमेंगे तो भाग्य खुल जाएगा? नहीं बाप, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बोलने का मेरा अभिप्राय या मकसद नहीं है, क्या बोलना चाहते हो फिर सीधा सीधा बोलो गुरुजी, सीधा सीधा ही बोलने आ रहा हूं, देख लो कैसे निर्णय करते हैं, आपको सिखा देना चाहता हूं, ताकि आपको कुंडली विश्लेषण करना नहीं पड़े, समझ जाओगे और आप उल्टा किसी ज्योतिष को भी पढ़ा सकते हो कि बोलिए ये थोड़ा सा नहीं समझ रहे बता दो, बोल के मेरे पीछे नहीं पड़ना, हाथ धो के पहले से बोल दे रहा हूं। परसों का वीडियो बना दिया भाई मेष राशि का वो क्या यंत्र, अब मेरे पीछे पड़ गए, अबे 20 रुपया में मिलता है, 50 रुपया में मिलता है, बनाओगे तो 500 खर्चा होगा, आप साधो, हमारे पीछे पड़ोगे तो भाई उसमें तो बड़ा खर्चा है, क्योंकि हम देंगे तो पूरा ओरिजिनल, पूरा प्योर, साधना करके, यज्ञ करके, तपस्या करके, जप करके, उसमें एकदम सही लग्न नक्षत्र देखेंगे और विधिवशात आदमी को बैठा के बना के देंगे, आचार्य संजय देगा तो छोल टुक्का देगा, तो उसमें तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा, तो हमारे पीछे मत पड़ो, खुद बना लो, सीखो, अपने से सीखो, सब हमारे ऊपर बेस करोगे कैसे होगा? नहीं हो सकता, कितना को देंगे? और हम धंधा करने नहीं बैठे हैं, उतना टाइम नहीं है, उतना मैन पावर नहीं है, इतना मेरे पास लोग नहीं है कि मैं सारा भारत का पूरा एकदम सबको यंत्र बना के बेचने लगूं, वो मेरा काम नहीं है, वो लोग बड़े सारे ऑनलाइन बेच रहे हैं, उनसे पकड़ो, वो लोग आपको दे देंगे, हाँ वो कम फायदा देगा ये भी मानता हूं मैं, क्योंकि मशीन वाला फायदा नहीं देता है, खुद बनाने से, सही लग्न राशि देख के बनाने से ही उसका ज्यादा फायदा मिलता है, इट इज ट्रू, आई बिलीव दिस, जानता भी हूं, तो आप लोग ऐसे कोशिश करो, नहीं होगा तो हम हैं, फिर हमें कॉन्टेक्ट करना, देंगे बनाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ जब कोई चीज काम करता हूं तो बड़े परफेक्शन में करता हूं, कम करता हूं, बढ़िया से करता हूं, तो उसमें खर्चा बैठता है, नेचुरली एक
अष्टगंध का जो ओरिजिनल सही का दाम 5-10 हजार रुपया पड़ जाता है अष्टगंध का। उस कैसे पड़ता है आओगे देखोगे, अभी काली पूजा में होगा आप लोग आओगे तो देखोगे अष्टगंध बनाते कैसे, साल में एक बार बनता है वो सारा चीज निकाल के। और ये जो बाजार में डब्बा मिलता है ना 10 रुपया वाला अष्टगंध, ठीक है। और फिर जो यंत्र लिखेगा, ऐसा नहीं कि दुकान से मिल रहा है मकर मकर यंत्र और आपको थमा दिया, वो भी नहीं है। वो सोनार को बैठाओगे ग्रहण काल में या नक्षत्र देख के बनाओगे, तो आपका नक्षत्र सुइटेबल नक्षत्र देख के संपद नक्षत्र में बनाएंगे संपद मिलेगा आपको, अगर मित्र नक्षत्र में बनाएंगे तो सुखदता मिलेगा मित्र बनेंगे। जिसको जो समस्या है उसी हिसाब में उसी यंत्र को निर्माण किया जाता है। और भी हजारों प्रकार के यंत्र हम लोग बनाते रहते हैं अवेलेबल। ये जो मैं दिखाया ये मॉडल था। चलिए फिर विषय में आते हैं, इधर उधर विषय अंतर नहीं हो। तो कैसे निर्धारित करेंगे किस मंदिर में, चलिए बताता हूं। एक नंबर, ये जो भाग्येश बुद्ध देखो कि किस दिशा में गया, आपको पता है मेष राशि पूर्व दिशा, ये उत्तर दिशा, ये इधर दक्षिण, इधर सॉरी तुला राशि पश्चिम दिशा, ये तो सबको पता होगा, ठीक। बुद्ध आके यहां बैठा है कहा, कालपुरुष कुंडली के पश्चिम दिशा तुला राशि में। तो भाग्य कैसे खुलेगा, आपके जन्म स्थान से 25 पश्चिम दिशा में किस मंदिर में, यहां का देवी कौन है, मां लक्ष्मी। तो मां लक्ष्मी का देवी में जाओ, कौन से रिनाउंड मंदिर में जाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो फिर कहां जाना पड़ेगा, विष्णु मंदिर में, क्योंकि वहीं लक्ष्मी रहती है। ओके, पकड़ लो आपका दिशा पड़ रहा है पूरी जगन्नाथ उड़ीसा पश्चिम दिशा, किसका पड़ेगा आपसे पश्चिम, किसका पड़ेगा देख लो मैप निकाल के देख लो, हम लोग कहां बैठे हैं किसके लिए। हम लोग आते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम दिल्ली, सेंट्रल इंडिया से, तो पश्चिम किसका पड़ रहा है, पश्चिम होने के लिए हमारा यहां पश्चिम होने के लिए साउथ वालों को पश्चिम पड़ेगा, महाराष्ट्रियन को पश्चिम पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी का ओरिजिनल मंदिर फिर कहां मिल रहा है, श्री जगन्नाथ जी मंदिर के पीछे बिमला माता और कमला माता और उधर लक्ष्मी जी का मंदिर है वो जगह है। आपको जो भी रिचुअल्स या भाग्य खोलने के लिए जो भी पूजा पाठ देना है वहां दर्शन कर लोगे, एक दिन में नहीं हुआ तो 5 दिन रहना पड़ेगा, 10 दिन रहना पड़ेगा, खुलेगा। नेक्स्ट तरीका क्या, टेक्निकली पकड़ लो, ये एग्जांपल दे दिया यहां से समझ जाओ, ऐसे ही कोई भी आप जान सकते हो जी है। पकड़ लो भाग्य मकर राशि में बैठा है या यहां पर कौन, नृसिंह नारायण भगवान मकर राशि का लॉर्ड और काली माता, तो कहां जाना पड़ेगा, या तो तारापीठ, या तो दक्षिणेश्वर, या तो दक्षिण काली, या तो कामाक्षी, उधर पड़ रहा है उधर जाओगे। पकड़ लो यह बुद्ध, ये यहां गए काम नहीं हुआ गुरुजी, ठीक है फिर देखो कि नक्षत्र धनिष्ठा में बैठा हुआ है बुद्ध मेरा, या श्रवणा में बैठा हुआ है, तो फिर श्रवणा का देव कौन बनते हैं, विष्णु, और धनिष्ठा का कौन बनते हैं, अष्टवसु। अष्टवसु में इस धनिष्ठा नक्षत्र में कौन सा डीटी बैठे हैं, बोले त्रिमुखी गणपति, कहां जाना पड़ेगा, मुंबई का गणपति में, और कोई नहीं, जाके खड़े हो जाओ गुरुजी, अगर एक दिन में नहीं हुआ 5 दिन रहो, 5 डेज, और वहां जाओगे तो ऐसे नहीं कि जाके दर्शन करके आगे बैठो, दर्शन करो, रहो, प्रसाद खाओ, 5 दिन जीतो, ऐसे ऐसे पकड़ लो। ये भाग्येश जाके मेष राशि में बैठा है, चतुर्थान में बैठा है, पूर्व दिशा, कौन डिटी यहां पर, बोलते हनुमान, कहां जाना पड़ेगा, द रिनाउंड हनुमान पीठ में जाना पड़ेगा, या फिर यहां का कौन है, अश्विनी कुमार देव, यम और अग्नि, तीन नक्षत्र का यहां पर अंदर का डीटी को ढूंढोगे, बोलते कौन बनता है, रुद्र, तो शिव भगवान, कहां जाना पड़ेगा, पूर्व दिशा, किधर पड़ रहा है, भीमाशंकर, भीमाशंकर अति विख्यात हो, चंडी पुस्तक में आता है, तो वहां जाके दर्शन करना पड़ेगा, हिमालय का शिव मंदिर में जाना पड़ेगा, यानी आपका केदारनाथ दर्शन करोगे। ऐसे अलग अलग जगह में वहां जाने से ही आपका खुल सकता है, खुलेगा गारंटी, मेरा ब्रह्मा भी नहीं दे सकता है, मैं देखा हूं, बहुत लोगों को कराया हूं, हुआ है तभी बोल रहा हूं। अब आता हूं, सोचो आपका भाग्य का तो मैं बता दिया, लेकिन इस कंडीशन में आपका कुंडली में पंचम का शनि महामूर्ख गजमूर्ख राजमूर्ख गधामूर्ख बना के चंद्रमा से बैठा हुआ है, पनौती दोष बना के आपको मैं भेज दिया पूरी मंदिर, ये टोटका जिसको देता हूं, जिनको बताया हूं किया, लेकिन गे खड़ा हुए और आपका टोटका किए भागाए, पंडित ब्राह्मण भोजन नहीं कराए, दान दक्षिणा नहीं किए, संकल्प नहीं किए, वो काम 100% नहीं देगा। ऐसे ही पूरी मंदिर में जगन्नाथ जी के पास, क्योंकि वो तो जगत का नाथ, जगन्नाथ सबका दुख समझने वाले, कलयुग का एक ही मात्र चलंती प्रतिमा, चलंती देवता है, चलने वाला देवता है, तो क्या करना पड़ेगा, सुनो, कम से कम 5 दिन से 7 दिन वहां ठहरो,
ठहर के क्या करोगे, वहां का अन्न भोग खाओ, नहीं कि पूरी में रहा और मीठा डाल अच्छा नहीं लगता है, ये लोग क्या बनाता है मिट्टी का घड़ा में अच्छा नहीं लगा, हम तो मुर्ग मुसल्लम और चिकन टंगड़ी और वो सब अच्छा लगता है, फिर हमको मत बोलो। 5 दिन उस अन्नमय कोष में हील कर देना है, खा खा के बाहर कहीं नहीं खाना। पानी भी पियोगे तो जगन्नाथ जी का मंदिर का, जानते हो जगन्नाथ जी का पीछे एक कुआं है, पाताल कुआं है, देख लेना, और उसके साइड में काकतीर्थ है, तो वो पूरे वहां रहना है। बॉडी के एक एक मॉलिक्यूल, एक एक पार्टिकल को जगन्नाथमय कर देना है, उसके बाद जाके कुछ रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं कि गया, खड़ा हुआ, खाया, उठाया, आप बोले थे, मैं आ गया, इल्ले होवे ना, होए ना, कोनी होवे है भाया, करेक्ट। तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, तभी जाके आपका ये स्थिति खुलता है। आशा करता हूं टेक्निकली जो बोला आप समझ पाए होंगे, और नहीं समझे तो फिर कमेंट करिएगा, इसको और ज़्यादा टेक्निकली बताऊंगा। फिर से कुछ चैनल्स में आप सबको मैं अपने अपना समझ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप समझ सकते हैं तो गुरु दक्षिणा भी समझ सकते हैं, हालांकि कोई भी गुरु का तो नहीं, मैं गुरु हूँ नहीं, बट आप मेरा प्यारे हों, फॉलोअर्स हों, लवर्स हों, और मेरे बारे में आप बहुत अच्छे भाव रखते हैं, धन्यवाद। फेसबुक में ये एस्ट्रोलॉजी गुरुकुल, एस्ट्रोलॉजी गुरुकुल फिर एक पेज है, और एक एस्ट्रोलॉजी गुरुकुल इंग्लिश, और एक राउरकेला एस्ट्रोलॉजर उड़ीसा करके, तीन पेज बनाए उड़िया इंग्लिश हिंदी का। कहाँ मिलेगा ये? संजय पंडा फेसबुक मेरा बहुत पुराना है, मेरा पुराना पुराना सारा नौटंकी देख सकते हैं। बोले इससे हम करें तो क्या फायदा, फायदा ये है कि अभी इस चैनल में जो भी वीडियो देंगे, मेरा टीम, मेरा ग्रुप बोल रहा है कि टेक्निकल दीजिए, और इधर उधर जितना सारा भर रहे थे वो सब मत भरिए, और जो भी बनाएंगे टेक्निकल दीजिए, तो थोड़ा सा मेरे को पाबंदी लगा रहा है मेरा टीम। तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस रहते हैं जिनके लिए हो सकता है अगला यूट्यूब चैनल खोलूं, अगर आप लोग मेरे को बोलते हैं तो, ताकि जैसे जैसे मैं कुंडली विषय में, बहुत सारा बात निकल जाता है उसमें, आपको डायरेक्ट ऐसे बैठ के सोच के बनाना, और कुंडली विश्लेषण करता हूं उस समय पूरे नवग्रह का एनर्जी है निकलता है, तो उस चीज से आप वंचित रह जाएंगे। तो इस फेसबुक के माध्यम से आप मेरे से लिंक में रहेंगे। और क्या है, आजकल बहुत सारे हैकिंग वकिंग, आप अभी ये जो मंगल देखेगा इधर शनि को ना, यहां पर वृश्चिक में आके देखना, बहुत सारे हैक होंगे, राहु यहां पर आ जाएगा, गुरु का बुद्धि ले लेगा, और फिर इसके ऊपर जो ट्रांजिटरी कंडीशन रहेगा राहु केतु का, जैसे जैसे क्लोज होंगे हैकिंग होंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरा चैनल हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे चैनल देखना इस समय संभावना दिख रहा है, बहुत सारे वेबसाइट दिख रहा है, तो आप मेरे से कैसे संपर्क रहो, इसीलिए अभी से एक रास्ता बना रहा हूं, वो ये है कि फेसबुक का ये पेज को प्लीज आप फॉलोअप कर दीजिए। दूसरा ये बोल रहा हूं, बार बार नहीं बोल सकता, अभी बोल रहा हूं, sanjaycapitalg75.com मेरा वेबसाइट है, ऐसे ब्लॉग लिखता हूँ, ठीक से नहीं लिख पा रहा हूँ, अभी टाइम नहीं, मेरा कोई नहीं है करेक्शन के लिए, मतलब टेक्निकल आदमी नहीं है, अभी कुछ नंबर आया है आप लोगों को रिक्वेस्ट करने के बाद उनको लिख कराऊंगा, तो उसके साथ थोड़ा सा प्लीज लिंक उनको बन के थोड़ा सा क्या करना है कर लीजिए। दूसरा ये है कि यूट्यूब चैनल में ये जो सर्च बार है ऊपर गोल वाला, उसमें Sanjay G75 लिख दीजिए, Sanjay G75, और ऊपर में तीन बिंदु है, इस तीन बिंदु को थोड़ा सा दबाइए, ऊपर निकलेगा सर्च फिल्टर, इसको दबाइए, एक फॉरफेज निकलेगा, इस फॉरफेज में जाके बीच में निकलेगा ऑल, ये ऑल ऑल को दबाएंगे, ऑल के जगह में चैनल, और एक फॉरफेज निकलेगा, चैनल दबाएंगे, नीचे अप्लाई करेंगे, मेरा 52 चैनल निकल जाएगा। ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप जाएंगे तो ऐसे ऐसे चैनल्स निकलते जाएंगे, तो ये प्लीज थोड़ा सा आपको जितना बन पड़े थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, ये रिक्वेस्ट है मेरा, ताकि मेरे को और जोश मिले तो बाकी विषय में भी मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊं। और ये था थोड़ा सा आपको रिक्वेस्ट, आशा करता हूँ मेरा बात आप समझेंगे, सुनेंगे, धन्यवाद, नमस्कार।